गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु कृपा परिवार के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन मेडिकल कॉलेज रोड स्थित भजन गायक नंदू मिश्रा के आवास पर संपन्न हुआ, जिसमें शिष्यों ने अपने सदगुरु नंदू मिश्रा का चरण पूजन किया। तत्पश्चात गुरुदेव ने शिष्यों को भेंट सामग्री वितरित किया। इसके पश्चात विश्व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पौधारोपण भी किया गया। उसके बाद नवीन दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम का समापन गुरुदेव की आरती के साथ हुआ। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सदगुरु नंदू मिश्रा ने कहा, ईश्वर ने हमारे श्रेष्ठ गुरु भाइयों बहनों ने मिलकर अपना प्रसाद ग्रहण कर लिए। संतोष दुबे जी, मैं इसीलिए कल सायंकाल से निराजल व्रत रहता हूँ। एक दिन पहले से सायंकाल से निराजल रहता हूँ, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए तपस्या होती है, साधना में रहता हूँ, और उस साधना के जो संचय होता है ऊर्जा, वो अपने बच्चों में बांटता हूँ आशीर्वाद के स्वरूप में, और सबको यही आशीर्वाद देता हूँ कि स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन प्रदान हो। और स्वस्थ जीवन कैसे प्रदान होगा, उसके लिए पर्यावरण शुद्ध होगा तभी तो स्वस्थ जीवन प्रदान होगा। इसीलिए वृक्षारोपण कराते हैं, वृक्षारोपण पौधारोपण। और ये अपने शिष्यों से भी बोलते हैं, जितने भी हमारे 5988 शिष्य हैं, सबसे मैं बोलता हूँ कि हर एक शिष्य 11-11 पेड़ सभी लगाएंगे वृक्ष, तो सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। जब ईर्ष्या द्वेष भावना से दूर हो जाएंगे, सबसे प्रेम होगा तो सुखी होंगे, और सम्मान तभी मिलेगा जब हम सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। यही हमारा सबको उपदेश भी है और आशीर्वाद भी है।